तो बच्चों पढ़ाई में डाउट्स आते हैं तो घबराइए मत, सबका सॉल्यूशन है डाउट नट। बच्चों अब किसी भी सवाल में आप अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, उसे क्रॉप करना है और बस 5 सेकंड के अंदर आपको मिलेंगे वीडियो सॉल्यूशंस। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क CBSE, UP, महाराष्ट्र, राजस्थान, MP या किसी अन्य बोर्ड का हो या फिर IIT, JEE, नीट या फिर 6वीं से 12वीं का कोई भी सवाल हो, सबका जवाब मिलेगा डाउट नट पर। साथ ही डाउट नट पर पढ़िए अब कोटा की बेस्ट फैकल्टी जैसे JB सर, NJ सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर से। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे डाउट नट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, आप भी जाइए और डाउट नट ऐप इंस्टॉल कीजिए। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई शुरू किए कि नहीं शुरू किए? एग्जाम की तैयारी कैसी हो रही है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हो सकता है आप किसी और बच्चे के लिए प्रेरणा बन जाएं, वो भी आपको देख करके पढ़ाई शुरू कर दे। बच्चों मैं हूं मानस पांडे, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बच्चों क्लास 12th का एग्जाम होगा कि नहीं होगा, कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा, ये अभी बहुत संशय में है। खास करके CBSE और ISC बोर्ड के एग्जाम्स कब होंगे, कैसे होंगे, होंगे या नहीं होंगे, इसके बारे में कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत सुनवाई हो रही है, वहीं एजुकेशन मिनिस्टर ये डिसाइड करने वाले हैं कि एग्ज़ाम्स का क्या किया जाए। मैं भी चाहता था बच्चों कि आपके एग्ज़ाम्स ना हो, बहुत कोशिश की, हमने लेटर लिखा अपनी तरफ से, स्कूल की तरफ से लिखवाया, खुद मैंने कोशिश की, कई बार लेटर लिखा, हमने ढेर सारे ट्वीट्स किए। हालांकि मैंने कभी इस बात का ढिंढोरा नहीं पीटा और ना मुझे पीटना था, मैं चाह रहा था कि ऐसा हो जाए। मुझे लग भी रहा था, जिस भी लोग से बात कर रहा था वो लोग कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा संभावना है कि कैंसिल हो जाएगा, लेकिन उसी में कुछ लोग ऐसे भी थे जो कह रहे थे कि हायर ऑफिशियल्स हैं, जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना चाह रही हैं, पोस्टपोन या कैंसिल करने का उनका विचार नहीं है। और ये बात हम आपको पहले भी बता चुके थे, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की कि आपके एग्ज़ाम्स कैंसिल हों। उम्मीद अभी भी, जब तक फाइनल डिसीजन नहीं हो जाता तब तक बाकी है। लेकिन इस बीच में जो एक मीटिंग हुई थी जिसमें 2 प्रस्ताव रखे गए थे, उसमें ज़्यादातर राज्यों ने इस बात पर सहमति जताई है कि हम सेकेंड ऑप्शन को चुन करके क्लास 12 के बच्चों का एग्ज़ाम करवाएंगे, जिसमें 19 या 20 मेजर सब्जेक्ट के एग्ज़ाम्स होंगे, शॉर्टर ड्यूरेशन के होंगे। और इसी वजह से जब चूंकि परिस्थितियां बदल रही हैं, आपको पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। एग्ज़ाम होता है तो आपके काम आएगा, नहीं होता है तो अगले क्लास में काम आएगा, अगला कंपटीशन इसकी वजह से निकल जाएगा, तो ये तो कहीं नुकसान होने वाला है नहीं। इसी वजह से मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हैं और आने वाले टाइम में आपकी हेल्प कर सकूं इसलिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाऊंगा। इसी क्रम में बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम हो रही थी कि सर हम ये कैसे समझें कि हमारा मेजर सब्जेक्ट कौन सा होगा। वैसे हमने 19 सब्जेक्ट जो 20 सब्जेक्ट आपके हैं उसकी एक लिस्ट हमने आपको बताई थी कि ये सब्जेक्ट पिछले साल भी मेजर सब्जेक्ट माने गए थे, तो इन्हीं में से कोई ना कोई 19 या 20 सब्जेक्ट्स होंगे, 23 की लिस्ट हमने आपको दिखाई थी। अब बच्चों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि सर सब्जेक्ट हमने 5 ले रखे हैं या हमने 6 सब्जेक्ट ले रखे हैं, अब इस 6 में से हमें किन 4 विषयों की परीक्षा देनी होगी। तो वैसे तो इसके बारे में जब ऑफिशियल डिसीजन आएगा तभी बच्चों कन्फर्म होगा, लेकिन जो मुझे पता चला है उसके हिसाब से मैं आपको जानकारी देता हूँ। ये सूचना 100% सही ही हो इसकी गारंटी मैं नहीं लेता, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि ये सूचना 100% सही होगी, क्योंकि हर बार लगभग सही हुई है। बाकी आपको इस पर विश्वास करना ना करना आप पर निर्भर करता है। सूचना जो मिली बच्चों, जब मान लिया आपने 5 सब्जेक्ट लिए या 6 सब्जेक्ट लिए, अब आपको दिक्कत हुई कि मैं कौन से सब्जेक्ट को मेन मान करके पढ़ाई करूं, क्योंकि पढ़ाई तो आपको स्टार्ट कर देनी है। बहुत सारे बच्चों ने कर भी दी है, अगर आपने कर दी है तो भी बता दो कमेंट में, नहीं कर दी है तो भी बता दो कमेंट में, ताकि हमें भी तो पता चले कि हमारे बच्चे कितने सीरियस हैं। तो अब पढ़ाई शुरू कर दी है तो मेजर सब्जेक्ट पे तो आपका फोकस होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम उसी का होना है, MCQ बेस्ड पैटर्न पे, उसका भी वीडियो मैं बना चुका हूँ, उसको भी आप देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो बच्चों के अंदर कन्फ्यूजन है कि सर 5 में से 4 कौन से होंगे, तो इस वजह से मैंने कहा कि एक वीडियो मैं आपको बनाऊं और उसमें क्लियर समझाऊं। जब हम लोग रजिस्ट्रेशन करवाते हैं बच्चों का क्लास 11th में, तो बच्चों 3 तरीके के सब्जेक्ट होते हैं वहाँ। पहला सब्जेक्ट आपका होता है कंपल्सरी लैंग्वेज का, जिसमें कोई भी एक लैंग्वेज आपको चुनना होता है, जो भारतीय भाषाएँ हैं या कोई एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है उनमें से कोई एक विकल्प आपको चुनना होता है। नॉर्मली बच्चे हिंदी या इंग्लिश किसी एक का चुनाव करते हैं पहले सब्जेक्ट के रूप में। दूसरा सब्जेक्ट का कॉलम जो होता है एक ऑप्शनल सब्जेक्ट कहलाता है, उसमें आप कोई भी सब्जेक्ट रख सकते हैं, चाहे आप तो कोई लैंग्वेज ले सकते हैं, जैसे दूसरा लैंग्वेज, जैसे आपने एक लैंग्वेज चुना मेन लैंग्वेज इंग्लिश चुन लिया, तो दूसरा आप हिंदी पढ़ सकते हैं, गुजराती पढ़ सकते हैं, मराठी पढ़ सकते हैं, बंगाली पढ़ सकते हैं, कोई स्किल वाला सब्जेक्ट रख सकते हैं, मतलब आपके पास ऑप्शन होता है, कुछ भी आप ले सकते हैं दूसरे सब्जेक्ट के रूप में। बाकी जो तीसरा चौथा और पांचवा कॉलम होता है वो होता है मेन सब्जेक्ट का। अब उसमें आपके वो सब्जेक्ट रखे जाने चाहिए, स्कूल वाले इस बात को भली भांति समझते हैं, वो वाले सब्जेक्ट रखे जाने चाहिए जो आपके उस डिग्री का कोर हैं, रीढ़ हैं, उन 3 सब्जेक्ट को हम उसमें रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, या अभी आगे वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा ही डिटेल में। फिर तो ये 5 सब्जेक्ट हो गए आपके। इसके अलावा अगर आप 6वां सब्जेक्ट चुनते हैं तो उसे एडिशनल सब्जेक्ट कहा जाएगा। आप चाहें तो 6वां सब्जेक्ट ना चुने, बहुत सारे बच्चे चुनते हैं कि अगर इन 5ों में से मैं किसी में फेल हो गया और 6वें में पास हो गया तो ओवरऑल में पास हो जाऊंगा। तो इसी कॉन्सेप्ट पे 6 सब्जेक्ट या 5 सब्जेक्ट लेकर के आप अपनी पढ़ाई करते हैं। और
डिटेल में मैं समझा देता हूँ कि किन किन सब्जेक्ट को आप मेजर सब्जेक्ट मानेंगे। तो ये मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पर ले चलता हूँ। बच्चों, कंप्यूटर की स्क्रीन हमारे पास नहीं अवेलेबल है, तो मोबाइल पर ही मैं आपको समझा देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मैं अच्छे से समझा ले जाऊँगा। वैसे मैं एक बार फिर से आपको सलाह दूंगा, अभी आने वाली वीडियो में भी सलाह देने वाला हूँ, तो इसमें भी मैं सलाह दूंगा कि आप अपने स्कूल से भी एक बार संपर्क कर लीजिए। नहीं कर सकते हैं तो हमारा वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, और अगर हेल्प करेगा तो आपसे उम्मीद बनती है कि आप एक लाइक करके जाएंगे, वीडियो को शेयर करके जाएंगे, और अगर आपको लगता है कि चैनल पर वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलती है, फोर्सफुली मैं नहीं कह रहा हूँ ना कहूँगा कभी, अगर आपको लगता है कि इस चैनल पर वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आप इस चैनल को लाइक करके भी जाएंगे। वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, लेकिन यार अगर आपका इस 10-15 मिनट के वीडियो से कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए, आपका फ़ायदा हो जाए, तो आपको ये समझना चाहिए। तो आओ बच्चों, चलते हैं उस स्क्रीन पर और आपको दिखाते हैं आपके मेजर सब्जेक्ट्स कौन कौन से होंगे। तो आओ बच्चों, समझ लेते हैं कि किस तरीके से आप अपने मेन सब्जेक्ट या मेजर सब्जेक्ट के बारे में पता कर सकते हैं, और आपको कैसे पता लगेगा कि कौन से सब्जेक्ट की परीक्षा आपको देनी होगी और कौन से सब्जेक्ट की नहीं देनी होगी। बहुत सारे बच्चों में कन्फ्यूजन है, तो मैं सबसे पहले तो आपको सजेस्ट करूंगा आप अपने उस स्कूल में संपर्क कर लीजिए जहां पर आपने 11th और 12th की पढ़ाई की है रेगुलर कैंडिडेट के रूप में। वो संभवतः आपकी अच्छी सहायता करेंगे, नहीं करेंगे तो जो बात वो बताएंगे आपको, वही बात मैं भी आपको यहाँ बताने वाला हूँ। बहुत सारे बच्चे हैं जो इंप्रूवमेंट वाले हैं, कंपार्टमेंट वाले हैं, प्राइवेट वाले हैं, स्कूल नहीं जा सकते, उनको भी ये बात समझ में आएगी। यहाँ पर मैंने कुछ बच्चों का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन स्लिप खोल लिया है। ऐसी रजिस्ट्रेशन स्लिप आपको क्लास 11th के रजिस्ट्रेशन होने के बाद में दी गई होगी, जहाँ पर आपको सिग्नेचर करना रहा होगा, और उम्मीद करता हूँ कि ये आपके पास में हार्ड कॉपी के रूप में भी स्कूल वालों ने आपको प्रोवाइड की होगी। नहीं भी की होगी, अगर आप मांगेंगे तो वो इसे दे देंगे। यहाँ पर आपके डिटेल्स होते हैं स्कूल के, और बाकी आपका पर्सनल डिटेल होता है, फीस वगैरह के बारे में रहता है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वो आपके सब्जेक्ट के बारे में यहाँ पर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया हुआ होता है। अब मैं यहाँ पर आपको समझा दूँ, देखो ये दो बच्चों की मैं लिस्ट दिखा करके आपको अच्छे से समझाऊंगा और आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे। देखो, इन दोनों बच्चों में एक चीज़ आप कॉमन देख रहे होंगे, और वो है पहले नंबर पर एक लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट सेलेक्ट किया। तो पहला सब्जेक्ट जो चुनना होता है उसमें कोई लैंग्वेज चुनना होता है, और उसमें लिमिटेड ऑप्शन होते हैं, कुछ ही ऑप्शन होते हैं, 2-3, उनमें से कोई एक सब्जेक्ट चुनना होता है जिसमें हिंदी और इंग्लिश ज़्यादातर बच्चे चुनते हैं। तो ये तो देखो दोनों बच्चों ने एक कंपलसरी सब्जेक्ट चुन लिया, कंपलसरी लिटरेचर चुन लिया, और ये इंग्लिश सब्जेक्ट दोनों ने चुना है, ये आपका मेन लैंग्वेज होता है। इसके बाद में जो दूसरे नंबर पे आता है ऑप्शन, दूसरा नंबर का कॉलम होता है, उसे हम ऑप्शनल सब्जेक्ट का कॉलम कहते हैं। आप चाहें तो इसमें कोई भी सब्जेक्ट चुन सकते हैं, अगर आप चाहें तो हिंदी चुनें, हिंदी की जगह पे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, जितने सब्जेक्ट CBSE के पास में हो सारे सब्जेक्ट दूसरे कॉलम में चुन सकते हैं। तो यहाँ पर आपने एक पहला सब्जेक्ट जो चुना होगा उसकी कंपलसरी परीक्षा आपको देनी होगी। अगर आपने यहाँ पर पहले जगह पे हिंदी चुना है तो हिंदी आपका मेन लैंग्वेज है और उसको आपको देना होगा। अगर यहाँ पर आपने इंग्लिश चुना है तो इंग्लिश की परीक्षा आपको देनी होगी। ये आपका मेन लैंग्वेज का पेपर है, और एक लैंग्वेज का पेपर देना इस बार अनिवार्य होगा। अब बात करते हैं दूसरे सब्जेक्ट की। तो जो दूसरे नंबर के कॉलम में आपने फॉर्म में भरा होगा, अब वैसे तो स्कूल वाले ज़्यादातर फॉर्म भर देते हैं, बच्चों को पता भी नहीं चलता, तो जो दूसरे नंबर पर भरा होगा ये ऑप्शनल होता है, इसमें कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं, कोई भी स्किल सब्जेक्ट ले सकते हैं, कोई मेन सब्जेक्ट में से कोई सब्जेक्ट ले सकते हैं। यहाँ पर देखो इस बच्ची ने फिजिकल एजुकेशन लिया हुआ है, और इस बच्ची ने दूसरे वाले सब्जेक्ट की जगह पे जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वहाँ पर हिंदी कोर लिया हुआ है। तो इस दूसरे वाले कॉलम में बहुत सारा ऑप्शन रहता है, कोई भी आप चुन सकते हो। ये पहला मेन सब्जेक्ट का कॉलम है, दूसरा ऑप्शनल सब्जेक्ट का कॉलम है, और उसके बाद आते हैं 3 मेन सब्जेक्ट। इसमें भी 3 मेन सब्जेक्ट हैं और यहाँ भी 3 मेन सब्जेक्ट हैं। अब इस बात को समझना, जो मेन सब्जेक्ट होते हैं वही उसकी परीक्षा आपको हर हाल में देनी होगी। जैसे इस बच्ची के केस में इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़ और अकाउंटेंसी है, इसके केस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है। हो सकता है आप में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स हो, या आप ह्यूमैनिटेरियन वाले हों तो उसमें आपके कोई दूसरे सब्जेक्ट हो। तो जो दूसरे, तीसरे, चौथे और पाँचवें नंबर पर जो सब्जेक्ट दिए होंगे वो आपके मेन सब्जेक्ट कहलाएंगे आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अलावा। अब कुछ बच्चे होते हैं जो छठवां सब्जेक्ट ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर इस बच्ची को हिंदी भी पढ़ना होता और ये हिंदी छठवें नंबर पर ले लेती, हिंदी कोर यहाँ ले लेती, उस कंडीशन में क्या होता, जो हिंदी होता इसका, ये हिंदी एडिशनल सब्जेक्ट बन जाता, क्योंकि वो छठवां सब्जेक्ट है बच्चा। तो देखो ये 6 सब्जेक्ट आप ले सकते हो इंटरमीडिएट में, आपको पता है। फॉर एग्जाम्पल, एक और मैं आपको दे दूँ, आपको एक और एग्जाम्पल देकर के समझा रहा हूँ। जैसे इसने एक तो लैंग्वेज का सब्जेक्ट ले लिया मेन, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट ले लिया, बाकी 3 इसने मेन सब्जेक्ट ले लिए। अब इसका मन कर रहा है कि चलो मुझे मैथ्स में भी पढ़ाई करनी है, तो जो 6th सब्जेक्ट है उसको मैथ्स ले सकती थी ये। अब अगर ये मैथ्स लेती तो ये सब्जेक्ट जो होता है इसका एडिशनल हो जाता, और 6वां सब्जेक्ट होता तो चूंकि एडिशनल सब्जेक्ट है इसलिए अगर इसमें फेल भी हो जाती, बाकी ऊपर के 5 में पास होती या 6वें में पास हो जाती, इन 3 में से फेल, मेन में से या 4, इन 4ों में से किसी में फेल हो जाती, तो 5 सब्जेक्ट में ओवरऑल पास होकर के पास हो जाती, और इसीलिए बच्चे एडिशनल सब्जेक्ट लेते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों बच्चों ने एडिशनल सब्जेक्ट नहीं लिया हुआ है, 3 मेन सब्जेक्ट लिए हैं, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया है और एक
इनका लैंग्वेज का जो मेन पेपर होता है उसका लिया हुआ है। तो जो बच्चों पहले नंबर पर आपका लैंग्वेज दिया होगा उसकी परीक्षा हर हाल में आपको देनी पड़ेगी। बाकी जो तीन पेपर हैं, ये नहीं कि अपने मन से चुन पाओगे आप, बाकी जो ये तीन पेपर हैं तीसरे चौथे और पांचवें नंबर वाले, ये आपके मेन पेपर कहलाएंगे और इन तीनों की परीक्षा आपको देनी होगी। तो इस तरीके से चार सब्जेक्ट की परीक्षाएं आपको देनी है, और जब चार सब्जेक्ट की परीक्षा दे देंगे तो हो सकता है आपका एक सब्जेक्ट बचे, जैसे यहाँ फिजिकल एजुकेशन बचा, यहाँ इंग्लिश हिंदी कोर बचा, तो जो पाँचवा सब्जेक्ट होगा, या हो सकता है आपने छठवां सब्जेक्ट भी कोई लिया हो, मैथ्स लिया हो, कुछ भी लिया हो, तो ये जो छठवां और दूसरा सब्जेक्ट जो होगा इसकी जो इसके जो मार्क्स होंगे बच्चों वो इन्हीं तीन सब्जेक्ट के आधार पर, मतलब तीन ये और एक ये, चार सब्जेक्ट के आधार पर आपको मार्क्स दे दिए जाएंगे। जितना नंबर आप इसमें पाए रहेंगे उसी हिसाब से मार्किंग बना करके दे देंगे। तो आई होप कि आपकी समझ में आया होगा। अब बहुत सारे बच्चे आप में से ऐसे होंगे जिनके पास में स्लिप होगी ही नहीं, तो अब वहाँ तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि हम सर कैसे पता करेंगे आपने ऐसे बता दिया। तो बच्चों इस तरीके से पता कर सकते हो, अगर अपने स्कूल में मांगोगे तो वो दे देंगे। ये देख लो, मैं एक फॉर्मेट फिर से बता दे रहा हूँ लास्ट में, कई सारे बच्चे हैं जो शायद नहीं समझ पाए होंगे। पहला कॉलम जो आपको भरना होता है वो किसी लैंग्वेज का भरना होता है जो आपने यहाँ भरा है। दूसरा ऑप्शनल होता है, इसमें आप चाहें तो कोई सब्जेक्ट भरें कोई सब्जेक्ट ना भरें। ज़्यादातर बच्चे ऑप्शनल सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट कोई ना कोई लेते हैं, जो भी सब्जेक्ट लेना होता है ज़्यादातर बच्चे लैंग्वेज ही ले लेते हैं। जैसे आपने यहाँ इंग्लिश लिया तो यहाँ हिंदी ले लिया, या कुछ भी ले लिया आपने। और बाकी तीन कॉलम ऐसे होते हैं जिसमें मेन सब्जेक्ट M1, M2 और M3, ये तीन सब्जेक्ट मेन होते हैं। तो पांच सब्जेक्ट हो गए। अगर आप छठवां सब्जेक्ट ले रहे हो तो ये छठवां सब्जेक्ट एडिशनल सब्जेक्ट हो गया, तो जो छठवें नंबर पर होगा वो आपका एडिशनल हो जाएगा। आप चाहें तो उसमें एग्जाम दें ना दें, और जो आप चाहें तो ऑप्शनल में एग्जाम दें ना दें, लेकिन जो पहला कॉलम होगा और ये तीन ये मेन होंगे, इन चार की परीक्षा का प्रस्ताव रखा गया है। अब देखते हैं प्रस्ताव कौन सा पारित होता है, एग्ज़ाम होता भी है कि नहीं भी होता है, क्योंकि संभावना बहुत ज़्यादा है कि एग्ज़ाम होगा, लेकिन संभावनाएं तो तब तक एग्ज़ाम का कैंसिल होने की नहीं खत्म होंगी जब तक सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन नहीं आ जाएगा। तो अपनी पढ़ाई करते रहिए। और मैंने ये वीडियो इसलिए बना दिया बच्चों कि आपको ये कन्फ्यूज़न ना हो कि हमें किस सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। आप कन्फ्यूज थे इसलिए मैंने बता दिया कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, तो इसको देख करके आप अपना उन सब्जेक्ट को चुन पाएंगे और कंसंट्रेट होकर के पढ़ाई कर पाएंगे। बाकी आपकी इच्छा, अगर आप चाहें तो स्कूल में पूछ लें, और मैं सलाह दूंगा कि मुझ पर विश्वास करने से पहले आप एक बार स्कूल में पूछ लें। उम्मीद करता हूं वहां से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। जानकारी नहीं मिलती है तो 10 रुपये की RTI लगा दीजिए अपने रीजनल ऑफिस में, जहां भी आपने फॉर्म भरा हो। 7-8 दिन में वो जवाब दे देंगे कि आपका मेन सब्जेक्ट कौन सा था, ऑप्शनल कौन सा था और आपका लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट कौन सा था। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। RTI कैसे लगाएं इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप सर्च कर लीजिएगा हाउ टू फिल RTI एप्लीकेशन बाय गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा, वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपकी काफ़ी कुछ हेल्प की होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। और बच्चों पढ़ाई करते रहिए, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा है, इसकी ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।